काशी में मुक्ति की कामना उपेक्षित नहीं है, निष्काम भावना की भी कोई आवश्यकता नहीं। वाराणसी, वरुणा नदी और असी नदी के बीच में बैठे हुए शहर को वाराणसी बोलते हैं। इसका प्राचीन नाम बनारस भी है और इसको काशी भी बोलते हैं। और ये भोलेनाथ के ऐसा भूमि है जो नंदन वन है बाबा का। यहाँ पर आके भोलेनाथ अपना तपस्या साधना करते थे। तो ये ऐसा एक शहर है जहाँ पर हर कण कण में आध्यात्मिक शक्ति जुड़े हुए हैं, जिसके बोले स्पिरिचुअल एनर्जी। भगवान विश्वनाथ की सेवा करते हुए फ्रॉम जेनरेशन टू जेनरेशन यह हमारा ट्रेडिशन जब से चलता आ रहा है, हमारा यही अनुभव है कि हमारा सर्वतोभावेन कल्याण ही हुआ। हमें ज्ञान भी मिला और हमने वो ज्ञान प्रदान भी किया। अघोरभ्य घोर घोर तरेभ्य अर्भेभ्य सर्वो सर्वेभ्य नमस्ते अस्तु रुद्रभ्य। जब भोलेनाथ मसान में सती का शरीर त्यागने के बाद जब भोलेनाथ महादेव ने मसान वासी हुआ था, उस समय वो शरीर में राख लपेटे हुए अपना तपस्या करते थे। वो उसका रूप था अघोर रूप। सात्विक अघोरी मिलना मुश्किल है, लाखों में एक मिलेगा, जिसमें हम एक हैं। तंत्र क्रिया को करते हैं, अघोर कर्म क्रिया को नहीं, उसी को अघोरी बोलते हैं। तंत्रों के ऊपर अघोर होता है, जो क्रिया रात 10 बजे के बाद किया जाता है, दिन में नहीं होता है। जो असली अघोरी है वो कभी दिन में क्रिया नहीं करेगा, रात को क्रिया। वो अगर सुबह से तैयारी करेगा तो वही रात हो, जब तक अंधेरा नहीं होता है वो पूजा पाठ नहीं कर पाएगा। और जो बोली बोलते हैं, दुनिया वाला दुनिया दिन में जागता है रात को सोता है, साधु रात को जागता है दिन में सोता है। मेरे पास पैसा नहीं रहता है, हम खरीदते रहते हैं, खिलाते रहते हैं। तो मोक्ष प्राप्ति सबसे बड़ा चीज है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं। जो साधु है और ये मार्ग में आने के लिए बहुत तपस्या करना पड़ता है। मैं
मृत्यु और मोक्ष दो विषय हैं, दो शब्द हैं, अलग अलग। भगवान विश्वनाथ प्रत्येक उन प्राणियों को मृत्यु के उपरांत मोक्ष प्रदान करते हैं और मोक्षदान करना उनका एक धर्म है जिसकी वो घोषणा करते हैं भगवान शिव। और काशी जैसी मोक्ष की नगरी में, मुक्ति प्रदाता नगरी में, मोक्ष प्रदान करते समय भगवान प्रत्येक जीवात्मा के, प्राणी के कान में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं। वो तारक मंत्र क्या है? वो तारक मंत्र प्रणव सहित राम नाम है। काशी का मणिकर्णिका तीर्थ है, मणिकर्णिका महाश्मशान, और जगह श्मशान है, यहाँ महा महा महाश्मशान। ये वह स्थान है जहाँ भगवान शिव रुद्र तारक मंत्र का उपदेश देते हैं। आपने सुने होगा कि काशी मोक्ष के लिए जाना जाता है, कि मरणम च मंगलम च स्थानम काशी, कि काशी में मरना भी मंगल है, वह स्थान काशी है। ऐसा क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया है क्योंकि ऐसा पुराणों में जिक्र है। आप काशी के बारे में सभी वेद पुराणों में पढ़ सकते हैं, सभी पुराणों में काशी के बारे में बोला है। स्कंद पुराण का एक भाग तो काशी खंड के ही ऊपर है, पूरे काशी के ऊपर। स्कंद पुराण के 7 भाग में से एक भाग है काशी खंड। तो स्कंद पुराण के काशी खंड में ऐसा जिक्र है कि भगवान शिव तारक मंत्र का उपदेश देते हैं। वह तारक मंत्र क्या है? राम नाम का उपदेश देते हैं भगवान विष्णु का, जिससे वह ब्रह्म ज्ञानी को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए काशी का मोक्ष के लिए सर्वोच्चतम स्थान माना गया है। वहाँ पर ही नीचे में महाश्मशान का मंदिर है, जो स्वयंभू लिंग है बाबा का, स्वयं से उत्पत्ति हुई है, किसी ने स्थापित नहीं किया है। और वहीं पर मणिकर्णिका तीर्थ है, एक मणिकर्णिका कुंड है, जिसके बारे में यह श्लोक कहा गया है पुराणों में कि न विश्वेश्वर समो लिंगम न काशी सदृशीपुरी न मणिकर्णिका समो तीर्थम नास्ति ब्रह्मांड। कि काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के समान जैसा कोई लिंग नहीं है, विशेषता बताई जा रही है कि काशी विश्वनाथ के समान कोई लिंग नहीं। काशी में जन्म लिए यही हमारा सौभाग्य है, इससे ज़्यादा और हम क्या कह सकते हैं। कि जहाँ लोग मरने की कामना करते हैं वहाँ हमने जन्म लिया। ये भगवान शिव की नगरी काशी, यहाँ पर जैसे जब कभी आपने कुछ हो जाता है, तबीयत खराब हो गए तो आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ये हो गया तो किसी फार्मेसी यहाँ जाते हैं। अपने यहाँ पे सारे शिवालय हैं। बहुत ज़्यादा जीवन में दुख आ गए तो हम दुख हरेश्वर महादेव के पास जाएंगे, एक लोटा जल चढ़ा देंगे, बाबा को अपनी दुख पीड़ा सुना देंगे।
दूसरी सबसे बड़ी चीज की बचपन से ही हम एक टूरिस्ट गाइड बनना चाहते हैं। आई वॉन्टेड टू बी अ टूरिस्ट गाइड, लाइक एक्सप्लोरिंग थिंग्स टू द पीपल हु डज नॉट नो अबाउट इट। लोगों को काशी के बारे में बताना, इस पहचान के बारे में बताना, यहाँ का क्या इतिहास है, ये हमारा एक पैशन रहा है शुरू से। जो इससे अवेयर नहीं है उनको, और काशी में जन्म हुआ ऊपर से मणिकर्णिका और बाबा विश्वनाथ के बीचों बीच, ये जो स्थान कचौड़ी गली चौक पड़ता है वहाँ हमारा जन्म हुआ। तो मणिकर्णिका जो संसार का सबसे बड़ा तीर्थ और द्वादश ज्योतिर्लिंग में काशी विश्वनाथ, तो ये दोनों प्रमुख जो स्थान बताए गए हैं अपने तीर्थ और क्षेत्र मंदिर, इन्हीं के पास हमारा निवास स्थान है। काशी में मुक्ति की कामना उपेक्षित नहीं, निष्काम भावना की भी कोई आवश्यकता नहीं। पुण्य कम, योगाभ्यास इत्यादि हो या ना हो, केवल काशी में मरने मात्र से ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है, अर्थात मुक्ति मिल जाती है। यही काशी की विशेषता है। मेरा नाम लालू चौधरी है, मैं डोम राजा हूँ। मेरे मामा जी यहाँ के राजा थे, स्वर्गीय जगदीश चौधरी। जी हाँ, जो लाल डेड बॉडी पे लकड़ी जलती है, उसी डेड बॉडी की लकड़ी पे मेरे घर से परंपरा आज से नहीं आदि के जमाने से उसी लकड़ी पे हम लोग का भोजन बनता है, उसी भोजन से हम लोग खाते हैं। ना गैस, ना चूल्हा, ना स्टोव का इस्तेमाल नहीं करते। हम लोग के बाप दादा पूर्वज लोग जो शुरू से इस्तेमाल मुर्दा की लकड़ी से जली हुई लकड़ी पे भोजन, आज भी मेरे घर उसी लकड़ी पे बनता है, आज भी बनता है। ये कार्य जो है, ये हम लोग भी पहले पंडित थे, यहाँ के डोम नहीं थे, पहले हम लोग के पंडित थे। मेरे ही परिवार का एक बुजुर्ग पार्वती जी का मढ़ी गिर गया था मणिकर्णिका घाट पे, मढ़ी कान का उसको चुरा लिया। तो भगवान तो जानते थे कि स्वयं कि किसके दिल में क्या है, किसके दिल में क्या नहीं है, तो जानते यही चुराया है। तो शंकर भगवान उसको श्राप दिए, मेरे बिरादर का जो काष्ट का पंडित था, कि जाओ तुम चंडाल हो जाओगे, आज से कोई रोते हुए आएगा उसको तुम अग्नि दे के उसका उद्धार तुम करोगे। तो उसी को चंडाल का श्राप शंकर भगवान स्वयं दिए हैं। वेद जो है इतना प्राचीन है, और वेद को पढ़ने के लिए बचपना चाहिए। यहाँ बच्चे, ये गुरुकुल है, गुरु का नाम है श्री विमलानंद तीर्थ वेद विद्यालय। मेरा नाम अभिषेक कुमार पांडे है और मैं यहाँ सामवेद का अध्यापक हूँ। जो चार वेद हैं, चार वेद में से जो तीसरा वेद है वो सामवेद है। जो ये वेद का अध्ययन जो कराते हैं गुरुकुलों में, उसको बचपन में ही पढ़ाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो बचपन में जो मेधा शक्ति होता है ना बच्चों का, वो बहुत तेज होता है। दूसरा क्या है कि वेद जो है ना भगवान है, भगवान के स्वरूप है। भगवान को आराधना करने के लिए हमें मन से,
तन से सबसे शुद्ध होना पड़ता है। ये जो बच्चे होते हैं ना, वो मन से भी शुद्ध होते हैं, तन से भी शुद्ध होते हैं। उनके मन में कोई चोर नहीं रहता। जब उनको हम लाएंगे पढ़ाने के लिए यहाँ पर, उनका उद्देश्य बाकी चीज़ों में नहीं रहेगा। बड़े को पढ़ाने के लाएंगे तो उनके में एक उद्देश्य रहेगा, एक लालच रहेगा कि ये इसको पढ़ने का मुझे ये करेंगे, ITI करने के बाद मैं ये जॉब करूँगा, इतना पैसा कमाऊँगा। लेकिन छोटे बच्चों को लाएंगे, 8 साल की उम्र के बच्चों को, उसके मन में ये नहीं रहेगा कि मुझे ये करने के बाद ये करना है। ठीक है, उसके बाद उसके उनको परंपरा बताया जाएगा, अपना परंपरा क्या है। वेद से पहले गायत्री है, संध्या है, ये सब सिखाया जाएगा। सिखाने के बाद क्या है, उनके अंदर जो मन तन जो है अच्छे से पवित्र हो जाएगा, तब वेद को पढ़ाया जाएगा, तब वेद आएगा। इस योनि में जो आपने कर्म किया है, प्रारब्ध एकत्रित किया है, उस प्रारब्ध के अनुसार आपको आगे अन्य योनियों में उत्पन्न होकर के सुख और दुख आदि भोगना पड़ता है। लेकिन यदि आपको मोक्ष मिल जाता है तो आपको दोबारा इस जन्म लेने के और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। तो मोक्ष की प्राप्ति जब आप उचित कर्म, सही कर्म करेंगे, शास्त्रों द्वारा उपदिष्ट जो शास्त्र ने जो कर्म बताए हैं उन कर्मों को करेंगे, तभी आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए कर्म से अटूट संबंध है मोक्ष का। और काशी में मोक्ष जो है, परम मोक्ष की प्राप्ति होती है आपको। उसके लिए भी आपको मृत्यु प्राप्त करना होगा। मृत्यु और अंत्येष्टि ये भी कर्म ही है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। विषय में हमारे शास्त्र कहते हैं, सारे देवता हैं, एक शिवजी ही महादेव हैं। इनके साथ लगा हुआ है एक ऐसा नाम, महादेव दी ग्रेट गॉड। महादेव का अर्थ हुआ ग्रेट गॉड। Jesus, when the sins of time.
मिस्ट्री।